बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे, जहां आगामी 14 जुलाई को होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर गंगा घाट के किनारे उद्घाटन स्थल एवं कच्ची पक्की कांवरिया पथ का जायजा लिया। जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देश विदेश से लोग सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर जाते हैं और जिसकी दूरी करीब 105 किलोमीटर की है। इस पथ को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 83 किलोमीटर सड़क जो जर्जर है उसे जल्द पेंचिंग कराकर दुरुस्त किया जाएगा एवं रास्ते के किनारे जो भी स्टॉल लगते हैं उन्हें एक बैरिकेटिंग के तहत स्टॉल लगाना है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इसके पूर्व बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर भागलपुर जिला लघु उद्योग मंच के संयोजक रोशन राय, जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमन भारती, भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सतीश कुमार उर्फ कन्हैया झा, कुमार श्रवण, युवा नेता रंजीत यादव, पवन सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। करीब 83 किलोमीटर के इस पैच को हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों ने इसमें जो सुविधा होनी चाहिए अपने कांवरियों को उसकी चिंता की जा रही है। इस बार जो हर साल हम लोग रेड सैंड यूज करते थे, इस बार गंगा बालू का उपयोग किया जा रहा है और पूरे 83 किलोमीटर के पैच में 15 फीट चौड़ा बनाने की काम शुरू हो गया है और काम कंप्लीशन पे है। हम लोग का कहा है कि चौड़ाई भी उसको मेंटेन की जाए, उसके थिकनेस को भी मेंटेन किया जाए, साथ ही साथ करने के बाद भी इसको पूरे एक महीना मेंटेन करना है गंगा बालू को, उसके परत को। तो इसके लिए हम लोगों ने अभियंताओं की टीम भी लगाई है जो हर पैच पे इसकी चिंता करेंगे और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग अध्यक्षण अभियंता और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी करेंगे। कोई भी लापरवाही नहीं हो इसका भी निर्देश दिया गया है और हम लोगों ने जहाँ जिला प्रशासन से भी बात किया है कि वो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोग भी जगह जगह पर हेल्थ कैंप लगेगा, साथ में जिला प्रशासन की तरफ से जो अन्य सामाजिक सेवी संगठन है वो भी जो अपना यहाँ पर लगाते हैं स्टॉल, उनको भी वो सुविधा मिले और उनको भी कांवरियों को वो भी सुविधा दे पाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सुल्तानगंज के अजगेबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन आगामी 14 जुलाई को होना है, जिसे लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां भागलपुर डीआईजी विवेकानंद, डीएम सुब्रत कुमार सैन, एसएसपी बाबूराम ने जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया और उद्घाटन स्थल का मुआयना किया। साथ ही अजगेबीनाथ गंगा घाट पर बनी बैरिकेडिंग व्यवस्था एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए गंगा घाट पर दिए जा रहे बालू भरे जियो बैग का भी निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही कच्ची कांवरिया पथ का भी निरीक्षण कर कांवरिया पथ पर कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। मौके पर डीएसपी गौरव कुमार, एडीएम शिव कुमार शेव, डीडीसी प्रतिभा रानी, एसडीओ धनंजय कुमार, सिविल सर्जन उमेश शर्मा के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज यहाँ डीआईजी महोदय के नेतृत्व में जो सुरक्षा तैयारियाँ हैं उनका जायजा लिया गया था। अभी कई जगह पे घूम लिए हैं, सभी घाट देख लिए हैं, अभी जो पार्किंग स्थल है, नियंत्रण कक्ष वगैरह है, अभी उनकी समीक्षा की जाएगी। तो तैयारियाँ चल रही हैं और सुरक्षा से संबंधित पूरे जिले में जो फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होनी है उसका ज्वाइंट ऑर्डर निकल चुका है और सभी तैयारियाँ समय के हिसाब से चल रही हैं। सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर कितने पुलिस बल की तैनाती की गई है? यहाँ लगभग 2000 पुलिस बल तैनात है। सर उद्घाटन में कौन आने वाले हैं? सर अभी देखिए वो तो एक डीएम साहब को आएगा सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन। और कांवरिया पथ में सर अभी भी आधा अधूरा ही काम बचा हुआ है, तो उसको कितने क्या टारगेट दिए गए? दूसरे विभाग का काम है और वो भी उच्च स्तर से समीक्षा की जा रही है, तो सभी काम टाइम के हिसाब से ठीक चल रहा है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। और कैमरे जो सीसीटीवी कैमरे की लगाने की बात की गई थी सर, तो अभी तो पूरी तरह से लगी नहीं है, तो कब तक वो टारगेट? सीसीटीवी कैमरे भी ऑलमोस्ट लग चुके हैं, उनका नियंत्रण कक्ष और डिस्प्ले जो सिस्टम है वो सुल्तानगंज थाना में लगाया गया है, वो भी ठीक काम कर रहा है। बीते 25 जून के रात्रि अकबरनगर पेट्रोल पंप के समीप हुए लूटकांड का खुलासा कर लिया गया है। उक्त आशय की जानकारी गुरुवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी और बताया कि इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज से भागलपुर की ओर आने के क्रम में इशाकचक 12 नंबर गुमटी निवासी मोहम्मद जहांगीर का पुत्र फल व्यवसायी मोहम्मद औरंगजेब ग्लैमर मोटरसाइकिल से जैसे ही अकबरनगर पेट्रोल पंप आम बगीचा के समीप पहुंचा तो आगे से आ रहे अपाची मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात 4 अपराधियों द्वारा घेर कर उस पर चाकू से प्रहार कर जख्मी कर दिया गया।
सैमसंग कंपनी का मोबाइल और मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 16,000 रुपए अपराधियों ने लूट लिए थे। इसके बाद चारों अपराधी नाथनगर की ओर भाग गए थे। यह केस अकबरनगर थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया था। अनुसंधान के क्रम में लूट की गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, साथ ही घटना करने में संलिप्त चार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में प्रहलाद कुमार, अनमोल कुमार, कुणाल कुमार और धर्मराज कुमार है। अपराध कर्मी अनमोल कुमार के घर से लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अनमोल कुमार उर्फ गोलू कुमार, प्रभात कुमार उर्फ छोटू और कुणाल कुमार का आपराधिक इतिहास भी है। 25 जून की घटना है। एक फल व्यवसायी मोहम्मद औरंगजेब, जो कि साकचक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो अपने फल का तगादा कर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से वापस आ रहे थे और अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आम का बगीचा है, सुनसान एरिया पड़ता है, वहाँ पर करीब 4 अज्ञात अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर इनको चाकू से जख्मी कर दिया था और इनका बाइक लूट लिया था और जो इनके पास 16,000 रुपये थे और इनका मोबाइल था, आईपैड था, ये सारी चीज़ें लूट ली थी। हम लोगों ने तत्काल इस लूट में FIR दर्ज किया था और अपराधियों की पहचान की गई। चारों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो लूटी गई बाइक थी और कुछ पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। इन चारों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें से 3 नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 अकबरनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से एक अनमोल कुमार उर्फ मोनू है नाथनगर का, ये एक बार जेल गया है शराब के कांड में। प्रहलाद कुमार उर्फ छोटू है नाथनगर थाने एरिया का, ये फरवरी में जेल गया था चोरी और मारपीट में, अभी जस्टी बेल पे छूट कर आया था। और कुणाल कुमार है, वो भी शराब में जेल गया है। इसमें थानाध्यक्ष की भूमिका सराहनीय रही है और बजरा बी टीम के प्रभारी हैं सूरज कुमार सिंह, उनकी भूमिका भी सराहनीय रही है। और ये अनुसंधान जल्दी हम लोग केस को चार्जशीट करेंगे और सभी अपराधियों की TI परेड कराएंगे और स्पीडी ट्रायल में भेजेंगे ताकि उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। रकम कितनी बरामद हुई? कुछ पैसे बरामद हुए हैं, करीब 2,000 के आसपास पैसे बरामद हुए हैं और जो लूटी गई बाइक थी वो बरामद कर ली गई है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलखंड के तिलकपुर गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जहां सूचना मिलने के बाद सुल्तानगंज थाने की पुलिस ने पहुंचकर घायल को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घायल युवक की पहचान तिलकपुर गांव निवासी स्वर्गीय बुद्धन मंडल के पुत्र घनश्याम मंडल के रूप में हुई है। घायल घनश्याम मंडल के बड़े भाई सुभाष मंडल ने बताया कि घर से खेत जाने के लिए घनश्याम मंडल निकला था, जहां रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। क्या कैसे क्या घटना हुआ है? बिहार जा रहा था उधर चौड़ के तरफ। किस तरफ? दक्षिण की तरफ बिहार पड़ता है हम सबका, तो बिहार में जाने के इसका थोड़ा दिमाग छोटा है, ट्रेन से कैसे इसको झटका लग गया जो घायल हो गया। घायल हो गया। क्या नाम है इसका? घनश्याम मंडल। घर कहाँ है इसका? तिलकपुर। मानसिक संतुलन खो बैठा है? हाँ, दिमाग कुछ करक है। भागलपुर में आगामी बकरीद पर्व को लेकर सिटी SP स्वर्ण प्रभात की अध्यक्षता में सुरक्षा के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिले के तमाम थाने के थाना अध्यक्ष मौजूद थे। वहीं सिटी SP ने बकरीद पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सिटी SP ने बताया है कि थाना एवं अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। विधि व्यवस्था संधारणार्थ चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 2000 अतिरिक्त बलों को भी बुलाया जा रहा है। वहीं बकरीद पर्व के मौके पर जिले में हो रही हर गतिविधियों की निगरानी CCTV कैमरे से की जाएगी। आइए आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भागलपुर सिटी SP स्वर्ण प्रभात। बकरीद को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक भी समीक्षा भवन में की गई थी और आज से हम लोग फ्लैग मार्च शुरू करने वाले हैं। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारे बजरा की फोर्स है, CIT की फोर्स है और जो हमारे स्पेशल दंगा की फोर्स है, उन सभी को इसमें सम्मिलित करें और सभी थाने में फ्लैग मार्च किया जाएगा और जिला स्तरीय फ्लैग मार्च भी किया जाएगा। नाथनगर के मधुसूदनपुर OP क्षेत्र के भतोड़िया पंचायत के बिहारीपुर गांव में बुधवार देर रात शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से विंदेश्वरी प्रसाद मंडल का पूरा घर जलकर राख हो गया। घर वालों ने किसी तरह से आनन फानन में घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। घटना को लेकर पीड़ित विंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने बताया है कि घर में रखे चौकी, पलंग, कपड़े, मवेशी का चारा, गेहूं और चावल जलकर राख हो गया। इसके
इसके अलावा बच्चों के स्कूल ड्रेस, किताब कॉपी भी जल गए। पंचायत के मुखिया मिठ नारायण मंडल ने बताया कि सीओ नाथनगर को घटना की सूचना दे दी गई है। 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया मेरे भूसा वाला गोदाम में। लगभग भूसा भी जल गया, सारा अनाज भी जल गया। जला बचाते बचाते फिर भी 1 लाख का नुकसान हो गया, जलकर राख हो गया। जगदीशपुर लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान लिपिक उत्तम कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति उपरांत विद्यालय परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर ससम्मान विदाई दी गई। विदाई के दौरान प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भावुक हो गए। सभी ने उनके कुशल व्यवहार एवं कर्तव्य निष्ठा की पूरी प्रशंसा की। बता दें कि वे पिछले 27 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत थे। इस मौके पर भागलपुर के प्रसिद्ध शिक्षाविद राजीव कुमार मिश्रा, पूर्व प्रधानाचार्य रामानुज राय, जयप्रकाश पोदार, प्रधानाध्यापक संजीव कुमार भारती, शिक्षक अश्विनी कुमार, देवाशीष पांडे, मोहम्मद फैयाज करीम, मोहम्मद अली गौहर, ओम प्रकाश तिवारी, नरेश चौधरी, संजीव कुमार भारती, संजीव कुमार शिक्षिका बबीता कुमारी, मौसम कुमारी, अर्चना सिंह, लता कुमारी, पूजा रानी, नवनीता कुमारी, श्वेता कुमारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मी तथा छात्र मौजूद थे। साथ ही उनके बुजुर्ग पिता हेमंत कुमार शर्मा, पत्नी चंदना शर्मा, पुत्री डॉक्टर अमृता प्रीतम, डॉक्टर सुजाता शर्मा, वंदना शर्मा, साधना चटर्जी, सरस्वती देवी, रिंकू शर्मा, जितेश शर्मा सहित उनके सगे संबंधी भी मौजूद थे। बुधवार को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जमीन विवाद संबंधित आवेदन आया, जिसमें पुरेनी दक्षिणी वार्ड नंबर 12 के निजी रास्ते को बंद कर देने का मामला सामने आया, जिसमें कहा गया कि लोगों को चलने में परेशानी होती है। दरअसल पुरेनी दक्षिणी पंचायत में नया टोला गाँव में सड़क नहीं बनने देने की बात सामने आई थी और पुरेनी उत्तरी पंचायत में वह मकान किसी और ने खरीदा था। वर्तमान में कोई दूसरा व्यक्ति उस मकान में जबरदस्ती रह रहे हैं। इसी बात को लेकर मकान मालिक मोहम्मद फरहान उर्फ छोटी ने जगदीशपुर थाने में आवेदन देकर जगदीशपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार को सूचित किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुरेनी दक्षिणी वार्ड नंबर 12 में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर पंचायत लगाई और सबके सामने निजी रास्ते को खुलवाया। वहीं दूसरी ओर सड़क नहीं बनने देने पर दोनों पार्टी को जमीन के कागजात लेकर जगदीशपुर थाना परिसर में सीओ के समक्ष जनता दरबार में बुलाया गया। इस पंचायती में पुरेनी दक्षिणी मुखिया मोहम्मद शहबाज, जगदीशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, राजद नेत्री महासचिव राबिया खातून, ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद, शंकर पासवान, पुरेनी उत्तरी के सरपंच प्रतिनिधि मिराज उर्फ लालू, मोहम्मद फरहान उर्फ छोटू और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जगदीशपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार की इस सामाजिक पहल की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं।